जय हिंद। मैं राकेश ऑफ एसी अकेडमी से आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, टाइप 7। मान लीजिए प्रश्न है 8,000 रुपए दो वर्ष में, 8,000 रुपए दो वर्ष में 8,820 रुपए हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जबकि यहां पर हमें दिया है 8,000 रुपए का, अर्थात यह है मूलधन दो वर्ष में समय और यह है मिश्रधन हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। यहां पर वार्षिक दर के आधार पर फाइंड आउट करना है, तो जबकि यहां पर मूलधन है 8,000 रुपए, समय है टी, या इसे एन से डिनोट कर सकते हैं दो वर्ष, और मिश्रधन है ए बराबर 8,820 रुपए, 8,820 रुपए। यहां पर हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि हम जानते हैं ए बराबर होता है पी इंटू वन प्लस आर बटा 100 पावर में एन। ए की वैल्यू है 8,820, पी की वैल्यू है 8,000, 1 प्लस आर की वैल्यू है फाइंड आउट करनी है बटा 100 पावर में एन की वैल्यू दो वर्ष। ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक जीरो से एक जीरो काटिए, यहां पर दो से हम काट सकते हैं, दो चौक आठ दो एकम दो चौक आठ जीरो जीरो। ध्यान दीजिएगा, तो यह आ जाएगा आपका 441 बटा 400 बराबर, यहां पर आ रहा है 1 प्लस, ध्यान दीजिएगा यहां पर आ रहा है 1 प्लस आर बटा 100 की पावर में, यहां पर है 2, ये पावर 2 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 441 बटा 400 बराबर, ये आएगा 1 प्लस आर बटा 100। ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 441 ये हो जाएगा आपका 21 बटा 20 बराबर 1 प्लस आर बटा 100, तो आर बटा 100 बराबर होगा, 1 को पचांतर कीजिए, 21 बटा 20 माइनस 1, 20 एकम 20 तो यह आ जाएगा 1 बटा 20, यहां पर आर बटा 100 बराबर आ रहा है 1 बटा 20, जीरो से जीरो काटिए, 5 2 5 10, तो देयर फोर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 5% वार्षिक ब्याज की दर, 5% वार्षिक ब्याज की दर। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, मान लीजिए प्रश्न है 5,000 रुपए 3 वर्ष में 6,655 रुपए हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। प्रिंसिपल अमाउंट है 5,000 रुपए, समय है 3 वर्ष, और यह हो जाता है मिश्रधन दिया है 6,655 रुपीज, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। ए बराबर होता है पी 1 प्लस आर बटा 100, ए की जगह रखेंगे हम लोग 6,655, पी की जगह 5,000, 1 प्लस
R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, R बटा 100, N की वैल्यू है 3, ध्यान दीजिएगा, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 0, 0, 0, 5 एकम 5, बचेगा 1, 5 दिया 15, बचेगा 1, 5 दिया 15, 5 एकम 5, तो ये आएगा आपका 1, 3, 3, 1, बटा 1000, बराबर में है 1 प्लस R बटा 100 पावर में 3, इसको हम लिख सकते हैं 11 बटा 10 की पावर में 3 बराबर 1 प्लस R बटा 100 की पावर में 3, 3 3 पावर कट जाएगा तो यह आ जाएगा 11 बटा 10 बराबर 1 प्लस R बटा 100, तो R बटा 100 बराबर हुआ 11 बटा 10 माइनस 1, ये हो जाएगा 1 बटा 10, 0 से 0 कटेगा तो therefore R बराबर आएगा 10% वार्षिक ब्याज की दर, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 10% वार्षिक ब्याज की दर।